सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए यमाई सेवने का माइक सॉल्यूशन लाए हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है माइक थोड़ा डिफरेंट माइक है दोस्तों, HS-022 का माइक इसमें लगा हुआ है। तो दोस्तों, उसकी जगह पर हम जो जियो का 4 पिन वाला माइक है वह हम यहाँ पर लगा देंगे, ताकि जो हमारे माइक जो है वो आपको अवेलेबल नहीं रहेगा तो आप उसके जगह पर ये जियो का माइक जो है ये लगा सकेंगे। तो ये जियो माइक जो है दोस्तों 4 पिन माइक है, वो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा। यह जो माइक है आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, तो इसकी वजह से हमने सॉल्यूशन निकाला है और हम आपको पूरी जानकारी भी देंगे कि आपको ये कैसे लगाना है, किस तरह से आपको जम्पर करनी है। तो दोस्तों, हमने मोबाइल ओपन करके एक किट जो है बाहर कर ली है। अभी हम ये माइक हॉट एयर गन से हटा लेंगे और उसके बाद हम आपको इसके नीचे के पॉइंट दिखा देंगे कि आपको किस तरह से ये माइक की पॉइंट है, थोड़े डिफरेंट है। तो आप पहले ये हटा लेंगे। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नए आने वाले वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। तो हमने मोबाइल रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हैं दोस्तों, आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो हम जो है ये माइक हटा देंगे। हटाने के बाद दोस्तों, हम आपको यूनिवर्सल जियो का माइक कैसे लगाते हैं यह भी हम आपको दिखा देंगे। जियो वाला जो 4 पिन माइक है वो आपको आसानी से मिल जाएगा, यह माइक आपको जल्दी से अवेलेबल नहीं रहेगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इसकी जो पिन है ये 3 पिन है दोस्तों, 3 पिन है, सामने 3 पिन है और बीच में एक होल सा बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जियो का माइक ले लेंगे। ये 4 पिन वाला जियो यूनिवर्सल माइक है, आपको इसको जम्पर कर लेनी है, 3 जम्पर करनी है दोस्तों आपको, 3 जम्पर में आपका काम बन जाएगा। तो आप शोल्डरिंग जो जम्पर वायर है उससे आप पहले जम्परिंग कर लीजिए, फिर हम आपको जम्पर कहाँ लगा रहे हैं यह भी दिखा देंगे। आप इसकी जगह पर दूसरा भी माइक और कोई माइक लगा सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हम इसको जम्परिंग कर लेंगे। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि नए जो वीडियो है वो आपको उसकी नोटिफिकेशन आती रहेंगी दोस्तों, और आप हमारी जो नई वीडियो है वो हम और आप देख सकेंगे। आपको अच्छे से जम्पर वायर की इंसुलेट आइसोलेट की हुई वायर रहती है, उसे हटाकर आपको इस तरह से जम्पर कर लेने हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जिस साइड आपको होल दिख रहा है जियो माइक को, उस साइड 2 जम्पर करने हैं, और जिस साइड आपको होल नहीं है वो साइड में आपको 1 जम्पर करनी है। 1 जम्पर जो है ये ग्राउंड वाली को सप्लाई में जाएंगे और 2 प्लस वाले सप्लाई पर जाएंगे। तो अभी हम जम्पर भी कर लेंगे अच्छे से। आपको यहाँ पे ये इंसुलेट वायर पर जो है लगी हुई है वो हटानी है, उसके बाद जो है हम जम्पर कर लेंगे।
कभी कभी आपको दोस्तों ये माइक नहीं मिलने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, इसकी वजह से ये आपको सोल्यूशन बहुत काम में आएगा। पॉइंट पर हमने पेस्ट लगा ली है, अभी हम सोल्डरिंग भी कर लेंगे। इस तरह से हमने दो जंपर कर लिए हैं दोस्तों, अभी हम तीसरा वाला जंपर भी कर लेंगे। ये हमने तीनों जंपर कर लिए हैं, अभी हम आपको बता देंगे हमने जंपर कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर दिए हैं, आप अच्छे से देख पाएंगे दोस्तों। उसके बाद जो है आपको भी ऐसे ही जंपर करके आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमने कुछ इस तरह से जंपर कर लिए हैं, जिस साइड से आपको जियो माइक को होल दिख रहा है उस साइड से दोनों पॉइंट को आपको जंपर वायर कनेक्ट करनी है, और दोनों बीच वाला जो हमारी 7A की ये किट है उसका बीच वाला सिरा छोड़ के जो जो साइड वाले दो है वो दो पर ऐसे इस तरह से कनेक्ट कर देना है। देख सकते हैं आप सीधे सीधे आपको कनेक्ट कर देना है, और जो बचा जिससे आपने हमने माइक को जो तीसरा जंपर किया है वो आपको ग्राउंड कर देना है बाजू से। आप बीच वाले सिरे पर भी कर सकते हैं, पर आप बीच वाले सिरे पर मत करिएगा, आप सीधे ग्राउंड को बाहर से अटैच कर दीजिए। उसके बाद जो है आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आप अच्छे से समझ लीजिए, इस तरह से आपको सीधे सीधे दो पॉइंट को बीच वाला सिरा आपको किट पर का बीच वाला सिरा छोड़ देना है, और दो साइड वाले पर जंपर करनी है, और एक पॉइंट जो है आपको ग्राउंड कर देनी है। और अब हम जो इसे अच्छे से फिटिंग कर लेंगे, पहले हम वो पॉइंट शॉर्ट ना हो उसकी वजह से वहाँ पर टेप लगा देंगे, टेप की वजह से जो है वो हमारी सप्लाई शॉर्ट नहीं होगी। इस तरह से हम टेप लगा देंगे। और आपको जो माइक का होल रहता है उसे आप ओपन कर दीजिए शोल्डर के सहारे, ताकि आपकी आवाज़ वो होल से बाहर अंदर हो सके। तो आप इस तरह से उसे होल कर दीजिए। अभी हम टेपिंग भी कर ली है, अभी हम अच्छे से फिटिंग भी कर लेंगे। इस तरह से आपको माइक को रख देना है। इस तरह से आप फिटिंग कर दीजिए और आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और हमारे आपको अगर कोई दिक्कत रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हुआ। धन्यवाद दोस्तों।